भारत लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। भारत ने पिछले चार महीनों में लगभग 7 बार ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। अब इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब रूस ने 200 टन से अधिक वजन वाली एक खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल का नाम है सरमाट। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल पर 10 या उससे अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। इस सफल मिसाइल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी है। पुतिन ने कहा कि ये मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। पुतिन ने कहा कि अब हमें धमकाने से पहले दुश्मन 2 बार सोचेंगे। आपको बता दें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की मिनिमम रेंज ही 5,500 किलोमीटर तक होती है। रूस की सरमाट मिसाइल दुनिया के सभी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत रखती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरमाट दुनिया के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। ये सबसे लंबी दूरी की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है और ये मिसाइल दुश्मन के सर्विलेंस सिस्टम को ट्रैक करने का मौका ही नहीं देती। पुतिन ने यह शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय किया है जब रूस की यूक्रेन से जंग चल रही है और पश्चिमी देशों से तनाव। वैसे आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका को पहले से ही इस मिसाइल लॉन्चिंग की जानकारी थी। रूस ने पहले ही अमेरिका को बता दिया था कि वो इस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। आपको बता दें कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच एक न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है जिसके तहत इस तरह की जानकारी शेयर की जाती है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.